हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, आई एम एडवोकेट सुमित। और गाइस, आज हम बात करेंगे कि किसी शादीशुदा लेडीज़ के साथ जो अफेयर है वो लीगल है या फिर इलीगल है, समझ रहे हो? यानी किसी की वाइफ है और किसी अदर पर्सन का उसके साथ अफेयर है, तो वो लीगल है या फिर इलीगल है? देखो यार, मैं आपको बता दूँ, मैं पर्सनल अपना व्यू दूँ तो जो चीज़ गलत है वो गलत है। मतलब किसी और के वाइफ के साथ अफेयर वगैरह कर रहे हो, गलत चीज़ है, समझ रहे हो? गलत है वो। अब बात करते हैं लॉ के हिसाब से, तो लॉ क्या कहता है इसमें? देखो, इसमें ऐसा है, 2018 से पहले इसमें था, अगर कोई लड़का है जिसको पता है कि इसकी शादी हो रखी है किसी और के साथ, और उसके बाद भी उसके साथ रिलेशन बनाता है, अफेयर करता है, फिजिकल रिलेशन वगैरह सब चीज़ करता है, तो वो चीज़ क्राइम थी 497 एडल्ट्री के अंदर IPC 2018 से पहले, समझ रहे हो? 2018 से पहले इसमें सजा थी 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए उस लड़के के लिए जो उससे अफेयर रखता था, ये जानने के बावजूद कि इसकी शादी हो रखी है किसी और के साथ, समझ रहे हो? लेकिन अब 2018 के बाद 497 IPC एडल्ट्री को पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है। यानी कि अगर जो लड़का किसी के साथ रिलेशन रखता है, किसी की वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन रखता हो, कोई भी रिलेशन रखता हो, वो अब क्राइम नहीं है बिल्कुल भी, समझ रहे हो? अब ये कोई भी क्राइम नहीं है। हम मान लो उसका हस्बैंड है, उसके हस्बैंड को पता लगता है कि मेरी वाइफ का अफेयर है, फिजिकल रिलेशन है किसी और लड़के के साथ, या उनको वो लाइव देख लेता है किसी होटल वगैरह, पर्सनल रूम में, मतलब जो भी है उसको पता लगता है वो, तो इस ग्राउंड पे वो सिर्फ अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे सकता है, समझ लो। ना ही वो उस लड़के को कुछ कर सकता, ना ही अपनी वाइफ को कुछ कर सकता, वो हाथ भी नहीं लग सकता उस लड़के को, समझ लो, उस लड़के को टच भी नहीं कर सकता, ना ही अपनी वाइफ को मार सकता वो इस बात पे कि भाई तेरा इसका अफेयर है जो भी है, समझ लो। वो सिर्फ डाइवोर्स दे सकता है उसको इस ग्राउंड पे, वो भी जब तब उसको पूरा कंफर्म हो कि हाँ भाई इसने इसका साथ रिलेशन है, फिजिकल रिलेशन वगैरह या अफेयर है, समझ लो। और बाई चांस उसमें अगर वो उसके उस लड़के को मारता है, पीटता, थप्पड़ थप्पड़ मारता है, तो वो अलग केस बनेगा, वो लड़का उसके हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है पुलिस स्टेशन में, मारपीट आएगी, उसमें वो केस नहीं बनेगा कि भाई इसने मेरी वाइफ के साथ ये मतलब अफेयर था जनाब या ये है वो केस बिल्कुल अलग है, उससे कोई मैटर नहीं है। उसका केस बनेगा सिर्फ इस चीज़ का कि इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, इसने मेरे ऊपर मारपीट करी है, समझ रहे हो? तो फिलहाल तो इस पर कोई भी इलीगल काम नहीं है, क्योंकि 497 एडल्ट्री को बहुत पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, तो अब कोई भी इंसान मतलब जो करना चाहे मतलब कर सकता है, ठीक है गाइस? तो चलो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।